फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नाग पंचमी। सो मैं एक नए ब्लॉग के साथ आ चुकी हूँ। अब मैं दोपहर का खाना का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। देख सकते हैं, बाहर सब काम चल रहा है। इधर टूट जाएगा ना। मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ से मैं किचन में आ चुकी हूँ और दोपहर का खाना का ये कर रही हूँ। और जैसा कि मैं बताई, आज नागपंचमी है। सो आज भी मैं चावल, दाल, सब्जी, पकौड़ी वगैरह ये सब बना रही हूँ, क्योंकि देखो अभी तो ये सावन के दिन में नॉनवेज का कुछ तो है नहीं, तो बस ये पकौड़ी, पनीर, यही सब ज़्यादा अभी चल रहा है। सो मैं अभी पकौड़ी बनाऊंगी और चावल, दाल, सब्जी बना चुकी हूँ, उसी का दोपहर का खाने का तैयारी चल रहा है। और आप लोग के यहाँ नागपंचमी में कैसे होता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। सब फटाफट से मैं ये कर लेती हूँ। आलू का बनाऊँगी, परवल का, कद्दू का और केला का। और मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कोहरा का पत्ता तोड़ के लाती हूँ और उसका भी मैं बनाती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं उसका भी बनाती हूँ और खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। वैसे मुझे पकौड़ी खाना पसंद है, सो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा तो लगता है, पर ऑयली ज़्यादा चीज़ कुछ खाया जाता नहीं है। सो तेल वगैरह सो मैं ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, पर कभी कभार बना दी तो खा लेती हूँ। सो अभी मैं चावल ये कर रही हूँ, मिला दी। और मैं चावल दोपहर में खाने के टाइम में ही बनाती हूँ, 10-15 मिनट पहले, ताकि गरम गरम चावल रहे। मेरे घर में सभी को बहुत गरम गरम खाना पसंद है और मुझे भी गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। और ये देख सकते हैं, ये जो मैं बताई हूँ कोहरा का पत्ता मैं तोड़ के ले जा रही हूँ, अपने ही पीछे गार्डन में लगाई हुई हूँ। सो दो चार पत्ता का ही बहुत अच्छा तोड़ के बनाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है। और ये देख सकते हैं मेरा पुदीना कितना ग्रो किया है। मैं एक बार इसका पूरा तोड़ चुकी थी, दोबारा बाद में इतना ग्रो किया है। तो ये, और ये देख सकते हैं मेरा चावल हो चुका है लगभग। और इधर मैं पकौड़ी बनाऊंगी। और कितने लोग हैं सिर्फ बेसन के पकौड़ी बनाते हैं, पर मैं चावल और चना के दाल को पहले मैं भिंगो के रख देती हूँ और उसी को पीस के मैं बनाती हूँ। बहुत टेस्टी बनते हैं, मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। और ये देख सकते हैं परवल को मैं काट रही हूँ और मैं बना रही हूँ। अभी मेरा ब्लॉग कुछ दिन से नहीं आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी। मैं कुछ दूसरा वीडियो मैं बनाने में थोड़ी सी ज़्यादा बिजी हो गई थी। और मैं बस यही एक आप लोग से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल तैयार की हूँ। और ये परवल, आलू, और ये देखिए कोहरा का पत्ता होता है, इसको मैं अभी साफ करूँगी और इसमें छानूंगी। और ये मेरा चावल हो चुका है, हो रहा है। मैं इसको पका मसाले ऐड किए, और आप लोग सोच रहे हैं कि ये चावल डेगची में बनाती है, डेगची में चावल कौन बनाता है। लेकिन मैं डेगची में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में शुगर के पेशेंट है। सो कुकर का चावल सही नहीं होता है शुगर के पेशेंट के लिए, इसलिए मैं डेगची में ही चावल बना के उसका जितना स्टार्च होता है वो निकल जाता है मार के थ्रू। सो
सो ये मैं करके, और दाल को मैं फ्राई करने के लिए मैं सिर्फ जीरा और तेल यूज करूँगी। सो मैं दिखा रही हूँ कि झटपट फ्राई करना हो, दाल को छौंक लगाना हो तो कैसे आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा तेल, और उसमें मुझे जीरा वाले, जीरा से फ्राई किया हुआ दाल मुझे बहुत पसंद है, जीरा से चावल, मुझे जीरा पसंद है। सो मैं, अगर मुझे चावल भी बचा हुआ फ्राई करना रहा अपने लिए, तो मैं मिर्चा, जीरा और तेल डाल के नमक के साथ उसको मैं फ्राई कर दूँ चावल को, तो मुझे बहुत पसंद है। सो ये यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा पकौड़ी बन रहा है, और मैं फटाफट से खाना खिला के खुद भी खाऊँगी, मुझे भी भूख लग गया है। तो ये मेरा हो रहा है, और इधर मेरा पकौड़ी ये हो रहा है, और इसको मैं टिश्यू पेपर पे अच्छे से डालूंगी। देख सकते हैं। तो ये मेरा जीरा का डब्बा है, और मैं एक हाथ से कुकर खोलने की कोशिश कर रही हूँ पर खुल नहीं पा रहा है, और एक हाथ से मैं अपना फोन पकड़ रही थी, सो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। सो इसे मैं रख के फटाफट पहले खोल लेती हूँ, उसको छौंक लूँगी, उसके बाद मैं ये करूँगी। और मेरा पकौड़ी भी लगभग हो रहा है, और सो ये मेरा दाल रेडी हो चुका, और इसको मैं थोड़ा गर्म कर दूँगी, और मिर्चा को भी मैं फ्राई करूँगी क्योंकि वो भी अच्छा लगता है। को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, और आप लोग, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करें, तो मैं अलग से बताऊंगी कि किस तरह मैं इसका बैटर तैयार करती हूँ, और मैं किस तरह से मसाले ऐड करती हूँ इसमें, तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और ये है, देख सकते हैं ने, उसी ये है शाम के टाइम, शाम नहीं बोल सकते हैं, रात लगभग 7:30 या 7 बज रहा होगा। मुझे, मेरा एक बैग मन किया कि चलो थोड़ा सा सिलाई कर लेते हैं। मैं, ये नहीं है कि मुझे, मुझ पर प्रेशर है कि मुझे सिलाई करना है, मेरे मूड के ऊपर है, आज थोड़ा मन किया तो सोची कि सिलाई कर लेती हूँ। और इसमें मैं ये एक ब्लॉग में मैं शेयर की थी कि मैं कौन सा ये कर रही हूँ, सो कौन सा समीज काटी हूँ, उसी का गला आज मैं सोची कि बना लेती हूँ, क्योंकि समीज का गला ही बनाना ज़्यादा ये रहता है, और नीचे का चीरा हुआ जो, सो दोनों ही है ना, तो बगल साइड में सिलना, बाजू लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सो मैं सोची कि आज मैं बैठी हूँ तो गला कम से कम बना लूँ, तो आगे पीछे का मैं गला कम से कम क्लियर कर ली, और बगल में सिल के थोड़ा मैं पहन के देख ली, क्योंकि मुझे खुद का ही सिलना है, तो नापी क्या क्या पकड़े रहना है, खुद ही पहन के देख लो कि कैसा फिटिंग आ रहा है, फिर उसी अनुसार सिल लेते हैं। तो वही मैं अभी कर रही हूँ, कपड़ा को जोड़ जोड़ के, क्योंकि मैं इसमें का सोची हुई हूँ, और मैं बेटी को भी डांट रही हूँ, इतना गुस्सा दिला देती है कि 1 घंटा में वो 1 गिलास का दूध फिर करते करते 8 बज गया। सकते हैं मेरे फेस का रिएक्शन, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी इस पर कर रही हूँ, बेटा जल्दी जल्दी से दूध फिनिश करो, और इस बार मैं सोची कि उसको फिनिश करा के ही दम लूँगी। सो ये फिनिश हो चुका है उसका दूध, अब मैं बोली हूँ तो भाग गई है, उसको है कि अभी जिस हिसाब से, जिस जितना उसका एज है उस हिसाब से उसको बहुत अच्छा सा सब कुछ आता है, लिखने भी, या अब सबसे खुशी की बात है कि वो लिखना भी चाहती है और पढ़ना भी, सो दोनों उसको आ रहा है धीरे धीरे। सो इससे मैं अब सेटिस्फाइड हूँ, और धीरे धीरे और सीखेगी ही, और चीज़ में बहुत ज़्यादा सिखाऊंगी उसको। सो
और ये मैं पीछे का भी गला ये कर्ली कट कर लेती हूँ और करके, और इसको मैं पहन के दूसरे ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी और आपसे पूछूंगी कि कैसा लग रहा है और आप लोग बताना। सो ये मैं फटाफट से गला का ये कर लेती हूँ। मैं पीछे का गला इस बार डीप नहीं ज़्यादा की हूँ, मुझे इस बार डीप पहनने का उतना मन नहीं था, तो इस वजह से मैं ऐसा बना ली। और दोनों तरफ का मेरा गला हो चुका है और मैं किसी से बात की थी इसलिए ईयर बैंड मैं लगाई हुई थी। तो दोनों कंधा को अटैच कर लेती हूँ और साइड से कच्ची सिलाई लगाकर पहले मैं पहन के देख लूँगी, उसके बाद मैं उसको अच्छे से ये करूँगी। और गला का भी हेम वगैरह करना है, सो ये सब ये भी करना है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं, और प्लीज़ मैं मुझे सपोर्ट करें, और मैं अपना टाइम के अकॉर्डिंग मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। सो कोशिश में तो रहती हूँ कि अच्छा से अच्छा कर सकूँ। और देख सकते हैं ये मैं फटाफट से सिलाई करा लगा ली, और मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे वीडियो को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।